आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल तेज एजुकेशन पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल तौर से सोशल साइंस की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो सभी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था? तो दोस्तों, ये आदेश दिया था RH डायर ने। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि किस मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? ओके, क्रिप्स मिशन जो 1942 में शुरू हुआ, इसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो इसका सही जवाब है कि तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 31, कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किसके लिए? ये तीन ऑप्शन है आपके पास कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए, या लौह पुरुष के रूप में, या देश बंधु के रूप में, फिर है कि ए और बी दोनों के रूप में, या फिर ए और सी दोनों के रूप में, या ए बी सी तीनों के रूप में, या फिर केवल ए के रूप में। तो इसका सही जवाब है कि उन्हें राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, देशबंधु के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 36, कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही जवाब है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायस राय कौन थे? ओके, तो इस समय भारत के वायस राय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि जनरल माइक ओ डायर, इसकी हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऊधम सिंह ने इसकी हत्या की। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन सन 1928 में हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका सही जवाब है सन 1925 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 42, के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं इकबाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दोस्तों, दीन बंधु के नाम से विख्यात था C.F. Andrews। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन देखिएगा कि 385 किलोमीटर की यात्रा, ओके ऑप्शन बी इसका सही है, 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो गांधी जी ने दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों जो है शामिल थे। अगला प्रश्न है कि कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, तो इसमें आर सी दत्त ये जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, ये तीनों जो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। इस तरह इस वीडियो को भी आपके 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्न देखने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ। वर्ग 2 की विशेष तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जा रही है।